नमस्कार, मैं हूं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ। 18वीं लोकसभा में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के पद पर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच भारी बवाल देखने को मिला, तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन वाले नारे ने तूल पकड़ ली। संसद का ये पहला सत्र हर रोज जनता को कुछ न कुछ अलग दिखा रहा है। अब एक नया मुद्दा संसद में माइक बंद करने को लेकर उठ गया। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें संसद में अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने का काम हो रहा है। मामला तब गर्मा गया जब लोकसभा में नीट के मुद्दे के बीच में राहुल गांधी का माइक बंद हो गया। दरअसल हुआ यूं कि लोकसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्षी नेता राहुल गांधी नीट के मुद्दे पर बहस की मांग कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनका माइक अचानक बंद कर दिया गया। राहुल के इस आरोप के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यहां ऐसा कोई बटन नहीं होता जिससे माइक बंद कर दिया जाए। ऐसा ही मामला राज्यसभा से भी सामने आया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे राज्यसभा में बोल रहे थे कि पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। इसी दौरान अचानक से उनका माइक भी बंद हो गया, जिससे उनकी बात बीच में ही कट गई। इसी समय राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीश धनखड़ ने कह दिया कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, कांग्रेस ने माइक बंद होने की इन घटनाओं का मुद्दा बना लिया और ये पूरा मामला जंगल की आग की तरह फैलता ही चला गया। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और अपनी आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर संसद के दोनों सदनों में माइक चालू और बंद करने का काम कौन देखता है, या फिर इसका अधिकार किसके पास होता है। बता दें कि नई संसद के दोनों सदनों में माइक को कंट्रोल करने के लिए अलग पैनल बने हैं, जहां साउंड इंजीनियर सभापति के आसन के ऊपर यानी कि पहली मंजिल पर बैठे होते हैं। ये साउंड इंजीनियर सीसीटीवी कैमरों और पैनल में लगी स्क्रीन में सदस्यों को देख रहे होते हैं और उसी के जरिए किसी सांसद का माइक चालू या बंद करते हैं। ये काम इंजीनियर डिवीजन नंबर की सहायता से करते हैं। डिवीजन नंबर सांसद का सीट नंबर होता है, यानी वो सीट होती है जो किसी सांसद को मिलती है। मतलब जब किसी सांसद को सीट नंबर मिल जाता है तो वो अपनी सीट से बोल सकता है, और जब उस सांसद का नाम पुकारा जाता है तो सिर्फ उसकी सीट का माइक ही ऑन होता है। लेकिन 18वीं लोकसभा में फिलहाल सांसदों को डिवीजन नंबर नहीं मिला है, जिसकी वजह से इंजीनियर सांसदों को स्क्रीन में देखकर ही उनका माइक चालू या बंद कर रहे हैं। लेकिन माइक चालू या बंद करने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे शून्यकाल में हर सांसद को बोलने के लिए 3 मिनट का समय मिलता है, तो उस दौरान उनका माइक चालू रहेगा और जैसे ही उस सांसद का समय पूरा होता है उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा अध्यक्ष द्वारा जिसका नाम पुकारा जाता है उसका माइक चालू करना होता है, फिर जब अध्यक्ष कहता है कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तो माइक बंद कर दिया जाता है। इस तरह संसद के सदन में किसी सांसद के माइक को या चालू या बंद किया जाता है। लेकिन फिलहाल ये माइक का मुद्दा काफी बड़ा बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है और उन्हें जनता से जुड़े मुद्दे और स्कैम जैसे मुद्दे उठाने नहीं दिए जा रहे हैं। विपक्ष का सीधा आरोप उनकी आवाज दबाने का है। अब देखना है कि संसद के सत्र में आगे और क्या क्या होता है। तो क्या है आपकी राय इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या आगे भी माइक बंद करने का मुद्दा उठता रहेगा या नहीं।